दिल्ली में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, तो उधर बिहार में इस आंदोलन के समर्थन में आरजेडी ने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। 30 जनवरी को इसका आयोजन होगा, जिसे लेकर आरजेडी ने पोस्टर जारी किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने आरजेडी की इस मुहिम पर सवाल उठाए हैं। किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला, कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी का दांव, आरजेडी के दांव पर एनडीए का पलटवार। दिल्ली में भारी तनाव के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि बिल के खिलाफ किसान डटे हुए हैं, तो बिहार में इसी मुद्दे पर आरजेडी ने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। बाकायदा पोस्टर जारी कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाने का फैसला लिया है। इस वक्त हम लोग पटना के वीरचंद पटेल पथ पर हैं और यहां पर आरजेडी समर्थकों ने कृषि कानून के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। लोगों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में मानव श्रृंखला में शामिल हों। दरअसल 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हंगामा हुआ, उसके बाद से लोगों को ये चिंता सता रही है कि 30 जनवरी को यहाँ पर मानव श्रृंखला के नाम पर भी अव्यवस्था फैलाई जा सकती है। 30 जनवरी को आरजेडी की तरफ से मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस मसले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें हम लोग डेहरी विधानसभा में डेहरी नगर उड़ी गोला तित्राण में मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे कि इनको सिर्फ अपने स्वार्थ का समर्थन मिलेगा और ये किसी के भी समर्थन में नहीं। ये इनके जो नेता हैं वो सिर्फ अपने समर्थन में और अपने परिवार के समर्थन में ये मानव श्रृंखला लगाएंगे। आरजेडी के इस दांव को कांग्रेस का समर्थन मिला है, लेकिन बीजेपी लाल किले पर हुई हिंसा का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेर रही है, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है। 30 तारीख को अगर राजद ऐसा करने जा रही है तो क्या राजद दिल्ली जैसी हालात क्या बिहार में पैदा करना चाहती है? राजद के लोगों को अपनी दुकान बचानी है, इस तरह के टोटकों से राजनीति नहीं होती है। मानव श्रृंखला बेहतर होगा, उदाहरण दे रहे हैं। लाल किला पे शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अपने तथा कथित कुछ किसान गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को लाल किला पर भेज के। आरजेडी की मुहिम को महागठबंधन का समर्थन मिला है, लेकिन सत्ता पक्ष आरजेडी के दांव पर सवाल उठा रहा है और इसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग जारी है। अब 30 तारीख को मानव श्रृंखला को कितनी कामयाबी मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष के साथ रितेश, जी मीडिया, पटना।